This is an introductory video for Company Secretary Professionals. Company Secretary Professional में एक subject है जिसका नाम है Information Technology and System Audit. And इस subject में एक chapter है जिसका नाम है Programming and Overview. और उसका एक topic है Flowchart. पिछले कई सालों से Flowchart क्या है, Flowchart को कैसे design करना है, इसके advantages and disadvantages क्या है, question आ रहा है. एंड मैंने इसमें ये देखा है कि स्टूडेंट्स रॉन्ग फ्लो चार्ट को डिजाइन करके आते हैं जिससे उनके मार्क्स कट जाते हैं. तो सीएस प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में फ्लो चार्ट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें फ्लो चार्ट पर किसी भी नंबर को लार्जेस्ट नंबर कैसे निकालना है, आपको फैक्टोरियल नंबर निकालने के लिए, प्राइम नंबर निकालने के लिए या एवरेज नंबर निकालने के लिए एक क्वेश्चन फ्लो चार्ट पर आता है. तो फ्लो चार्ट आप कैसे डिफाइन करेंगे, फ्लो चार्ट की डेफिनेशन क्या है और किसी भी नंबर को निकालने के लिए फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे, आज हम इसको पढ़ेंगे. एग्जाम में फ्लो चार्ट, सही फ्लो चार्ट कैसे डिजाइन करें, इस पर्पस को पूरा करने के लिए फ्लो चार्ट को डिजाइन कैसे करेंगे, आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ. तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेसिकली फ्लो चार्ट की डेफिनेशन क्या होगी, क्योंकि एग्जाम में आपको एक टेक्निकल डेफिनेशन लिखनी होती है जिससे कि आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं. तो ये एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम इज कॉल्ड फ्लोचार्ट. ठीक है, ग्राफिकल की जगह आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी आप बोल सकते हैं. तो ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम इज कॉल्ड अ फ्लोचार्ट. एल्गो मीन्स क्या होता है, एल्गोरिदम, एल्गोरिदम होता है कि जहां पर हम स्टेप बाय स्टेप एक लॉजिकल प्रोसीजर लिखते हैं किसके लिए, सॉल्व द प्रॉब्लम के लिए. सपोज सॉल्व द प्रॉब्लम क्या होती है, जो हमारा एक टास्क है जिसको हमें एक फिक्स ड्यूरेशन में हमें कंप्लीट करना होता है. सपोज एक बिल्डर है और उसको एक बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग बनाने से पहले वो क्या करेगा, उसका एक डायग्राम बनाएगा या उसका एक मैप रेडी करेगा जिसके बेसिस पर वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिख सके, प्रोसेस को फॉलो कर सके कि उसको कौन कौन से काम कैसे करने, कहाँ पर उसको डाइनिंग रूम बनाना है, कितने उसको बालकनीज देनी है, पूरा एक मैप रेडी करता है. उस मैप के बेसिस पर ही वो सब कुछ डिसाइड करता है कि उसको क्या टास्क करने हैं, इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट कैसे करना है. उस एल्गो के बेसिस पर ही एक प्रोग्रामर एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता है जहां पर उसको सब कुछ चीजें बनी बनाई मिल जाती है. फ्लो चार्ट से वो ये डिसाइड करता है, चेक करता है कि उसको एनी हाउ करना क्या है, और फ्लो चार्ट के बेसिस पर वो एक एल्गो डिजाइन करता है और एल्गो के बेसिस पर वो एक प्रोग्राम कोड लिखता है जहाँ पर लॉजिक कोड होता है. तो किसी भी कंपनी में प्रोग्रामर को प्रोग्राम लिखने से पहले फ्लो चार्ट लिखना जरूरी होता है. तो जैसा कि इंग्लिश में एक कहावत है कि अ पिक्चर इज वर्थ अ थाउजेंड वर्ड्स, आप किसी भी पिक्चर्स के थ्रू बहुत सारी चीजों को समझा सकते हैं. अब फ्लो चार्ट बनाने से पहले हमें इसके कुछ सिंबल्स होते हैं, किसी भी फ्लो चार्ट को जब आप डिजाइन करेंगे तो उसके कुछ सिंबल्स आपको आइडेंटिफाई या आपको लर्न करने ही पड़ेंगे. ठीक है, तो आप कौन कौन से होंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमें फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने से जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं स्टार्ट पॉइंट. ठीक है, तो स्टार्ट हमारा किस शेप में होता है, ओवल शेप में होता है, और ये हमारा स्टार्ट एंड टर्मिनल एक ही जैसे, मतलब कि दोनों एक जैसे ही होने चाहिए, सेम होने चाहिए, सेम टू सेम होने चाहिए. ठीक है, तो ये हमारा ओवल होता है जो इंडिकेट करता है कि हमारी प्रोसेस स्टार्ट हो गई है या फिर शुरू हो गई है और टर्मिनेट या एंड हो रही है. ठीक है, इसके बाद हमें इनपुट की जरूरत होती है, तो इनपुट हम किस में लेते हैं, पैरेललोग्राम में लेते हैं. यहाँ पर हम इनपुट और ये भी हमारी एक जैसी होती है, जिसमें हमने इनपुट लिया है जब हम आउटपुट को शो करेंगे तो वो भी हम पैरेललोग्राम में ही लेते हैं. ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि हमने क्या लिया है, हम क्या क्या शो करने जा रहे हैं और हमारा आउटपुट कैसे होगा. तो इनपुट आउटपुट को डिफाइन करता है. थर्ड नंबर पर हमारा होता है जो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल सिम्बल्स, रेक्टेंगल शेप का होता है, उसमें हम प्रोसेस करते हैं. तो प्रोसेस बेसिकली कंप्यूटर के अंदर जो हमारी मेमोरी है वहां पर इंटरनल प्रोसेस होती है, तो ये इंडिकेट करता है इनसाइड द प्रोसेसर और मेमोरी में. ठीक है, चौथे नंबर पर लेते हैं, यहाँ पर हम प्रोसेस में हम क्या करते हैं, प्रोसेस में हमारी वैल्यू रीड करती है.
ठीक है। चौथे नंबर पे लेते हैं कि हमारी कंडीशंस, अगर हमने किसी भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के दो ही आंसर होंगे, या तो वो सही होगा या रॉन्ग होगा, या तो आपने फ्लो चार्ट को डिजाइन किया आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे या आपके पूरे मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो ये आप किसके थ्रू बताते हैं, ये एक डायमंड शेप सिंबल ये जो आप यूज कर रहे हैं इसको बोलते हैं डिसीजन या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट। यहाँ पर बुलियन वैल्यू आप लेते हैं, बुलियन वैल्यू आई होप समझते होंगे, ट्रू और फॉल्स, यस और नो, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लेते हैं, बुलियन वैल्यू लेते हैं और ये डायमंड शेप का होता है। सपोज आपका जो फ्लो चार्ट है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, और एक पेज में नहीं हो रहा, आपको नेक्स्ट पेज पे जाना हो रहा, तो आप ये कनेक्टर के थ्रू आप नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, इसको बोलते हैं कनेक्टर। अगर आप नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं आपने कनेक्टर नहीं लगाया तो आपका फ्लो चार्ट गलत साबित हो जाएगा, ठीक है। प्रोसेस को करने से पहले कुछ वैल्यूज को प्री डिफाइंड भी करना पड़ता है, तो इस तरह का शेप हम यूज करते हैं जिसपे हम प्री डिफाइंड प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आपने फ्लो चार्ट डिजाइन कर लिया लेकिन अगर आपने उसमें एरोस नहीं लगाए हैं, ये इनको हम बोलते हैं फ्लो लाइंस, इन एरोस को हम क्या बोलते हैं, फ्लो लाइंस करते हैं। ये हमें ये शो करता है कि हमारा फ्लो डायग्राम किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, फ्लो चार्ट को बनाने से पहले आपको इनके सिम्बॉल्स को अपने माइंड की मेमोरी में बिठाना होगा। अगर आपके माइंड की मेमोरी में, माइंड सेट में ये चली गई एक बार, तो आप एक करेक्ट फ्लो चार्ट को डिजाइन कर पाएंगे। अब चलिए हम बात करते हैं कि फ्लो चार्ट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैटिक फ्लो चार्ट एंड सेकंड होता है डायनामिक फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा स्टैटिक फ्लो चार्ट कैसे होगा। तो सबसे पहले मैंने बात की थी कि हमें फ्लो चार्ट को अगर डिजाइन करना है तो सबसे पहले हम उसे ओवल से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और हमारे पास में एरो लगाना मस्ट है। अगर एरो नहीं लगाए तो फ्लो चार्ट रॉन्ग हो जाएगा। अब हमें वैल्यू लेनी है, वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ हम कुछ इनपुट ले रहे हैं, इनपुट हमने लिया, सिर्फ हम इनपुट ए एंड बी ले रहे हैं, ठीक है, इनपुट ए एंड बी ले रहे हैं, इसका हमें सम करना है। तो सम किस में होगा, किसी एक और कैरेक्टर ले लेते, कुछ ले लेते, या चलिए सम हम यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे हम एक प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेस किस में होगी, हमारी रेक्टेंगल में होगी, और इन दोनों के बीच में, ये दोनों आपस में लिंक मिले हुए नहीं होने चाहिए। अगर ये दोनों आपस में मिल गए, लिंक कर गए, एक दूसरे की बाउंड्री उन्होंने छू ली, तब भी ये रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हमने सम ले सम कर रहे हैं, सम में हम क्या कर रहे हैं, ए सम हमारा क्या कर रहा है, ए प्लस हम बी कर रहे हैं, ठीक है। अब हम किसको प्रिंट कराएंगे, ए प्लस बी को तो हम नहीं प्रिंट करा सकते हैं ना, हमने यहाँ पे सम के अंदर ये वैल्यू ली, तो हमारा हम किसको प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं हम प्रिंट, हमारा प्रिंट क्या निकल के आएगा, सम निकल के आएगा कि ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो रही है। और इसके बाद आप यहाँ पे क्या कर देंगे, एज इट इज आप इसका, आपका जो ये प्रोग्राम है ये क्या होगा, फ्लो चार्ट है, ये आपका स्टॉप हो जाएगा। तो इसी के बेसिस पे क्या करता है, एक एल्गो, जो एल्गोरिदम लिखी जाती है वो इसी के बेसिस पे एक एल्गो डिजाइन की जाती है, ठीक है। तो इस टाइप के जहां पर हम सिर्फ सिंपल स्टार्ट, हम यहाँ पे क्या क्या यूज करते हैं, कौन कौन से, जहाँ पे हमने स्टार्ट, कुछ प्रोसेस और आउटपुट, या फिर आप इसको आगे इनपुट यूज किया, ठीक है, और उसके बाद में हमने यहाँ पे स्टॉप मतलब कि टर्मिनेट कर रहे हैं प्रोग्राम को। तो ये हमारे किस तरह का प्रोग्राम हुआ, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्लो चार्ट। तो बेसिकली आपको स्टैटिक फ्लो चार्ट भी, अगर आप सपोज कीजिए कि अगर आप कंडीशनल फ्लो चार्ट बनाने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप स्टैटिक फ्लो चार्ट भी डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चन क्या है। फ्लो चार्ट डिपेंड करते हैं कि आपका क्वेश्चन किस टाइप का, अगर आपको लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है तो लार्जेस्ट वैल्यू निकालने के लिए तो आपको डायनामिक फ्लो चार्ट का यूज करना ही होगा। डायनामिक फ्लो चार्ट मीन्स क्या होता है, डायनामिक फ्लो चार्ट में आप, डायनामिक फ्लो चार्ट के अंदर आपने वैल्यू के अंदर आपको एक एक कंडीशंस लगानी होगी, ठीक है, कंडीशन आपकी यस और नो होती है, ठीक है। तो इस टाइप के जो हमारे फ्लो चार्ट होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डायनामिक फ्लो चार्ट, ठीक है। अब देखते हैं कि हम किसी दो प्रोग्राम का फ्लो चार्ट बना के कोशिश करते हैं कि जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि फ्लो चार्ट बेसिकली क्या होता है। जैसा कि मैंने इसकी डेफिनेशन से ही बताया था कि फ्लो चार्ट एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट को बनाने से पहले इसकी गाइडलाइंस हमें मालूम होना चाहिए कि हम बेसिक चीज क्या ले रहे हैं। तो फ्लो चार्ट में इसका टाइटल कंपलसरी है, अगर आपके पास क्वेश्चन ही नहीं है तो आप फ्लो चार्ट को डिजाइन कैसे करेंगे। जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि स्टार्ट एंड एंड पॉइंट भी किसी भी फ्लो चार्ट
में स्टार्ट एंड पॉइंट अगर आपने सारी प्रोसीजर भी लिख लिया, प्रोसेस भी कर दिया, डिसीजन भी लगा दिया, ट्रू फॉल्स भी कर दिया, लेकिन उसे स्टार्ट एंड एंड नहीं किया, उस केस में क्या होगा कि आपका फ्लो चार्ट गलत साबित हो जाएगा। थर्ड है कि जो आप फ्लो चार्ट यूज कर रहे हो उसका एंट्री पॉइंट मतलब स्टार्ट पॉइंट सिर्फ आपका एक ही रहेगा, ठीक है। कुछ चीजों को छोड़कर अगर हम डिसीजन मतलब कि कंडीशन को छोड़ दिया जाए तो हमारा एग्जिट पॉइंट भी एक ही रहता है, पर एग्जिट पॉइंट डिपेंड करता है डिसीजन जो डायमंड सिंबल्स के ऊपर की बटन पर डिपेंड करता है। तीसरी चीज हमने बोली कि फ्लो चार्ट जो होता है जनरली टॉप टू बॉटम बनाया जाता है, लेकिन कुछ केसेस में क्या रहता है कि ये किसी भी साइज में मतलब कि आप किसी भी डायरेक्शन में इसको बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि चलिए हमें एक एवरेज निकालना है, किसी भी थ्री नंबर्स का हम एवरेज निकालते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि हमें सबसे पहले हम ओवल से हम अपना फ्लो चार्ट को स्टार्ट करते हैं। जब हम फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे तो हमें मालूम है कि हमें पैरेललोग्राम के अंदर हमें अपना इनपुट लेना होगा। तो हमने यहाँ पे इनपुट हम क्या ले रहे हैं, ए बी एंड हम यहाँ पे सी ले रहे हैं, ठीक है। अब इसको हमें क्या कराना होगा, इसे हमें एक प्रोसेस करानी होगी। तो प्रोसेस में हम क्या ले रहे हैं, प्रोसेस में हम यहाँ पे सम ले रहे हैं। सम में हम क्या ले रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी लिया, ठीक है। हमें यहाँ पे एवरेज निकालना, तो एवरेज निकालने से पहले तो हमें सम करना होगा ना। अब यहाँ पर हमारी ये एक और प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो प्रोसेस पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सम किसका हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पर एवरेज निकाल रहे हैं। तो एवरेज क्या ले रहे हैं, एवरेज हमने क्या लिया है, जो हमारा सम आ रहा है, ठीक है। सम हमारा कितना आ रहा है उसको हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, हमारी वैल्यू किससे प्रिंट हो रही है, तो ये हम किसमें लेंगे, एक पैरेललोग्राम में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिजल्ट उसमें ही रहेगा, ठीक है। तो हम प्रिंट क्या करा रहे हैं, प्रिंट हमने यहाँ पे कराया एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रिंट को एवरेज करा दिया और इसके बाद में हमारा ये प्रोग्राम या फिर हमारा ये जो फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपके क्या है, ये इनपुट और आउटपुट के लिए आपने ये पैरेललोग्राम का यूज किया, और ये आपके क्या है, यहाँ पर आप प्रोसेस हो रही है, ये प्रोसेस है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपने प्रोसेस लिया, ये आपका आउटपुट है, और ये भी आपका, ये आपने इनपुट लिया, ठीक है। यहाँ पर आपने स्टार्ट पॉइंट एंड दिस इज कॉल्ड एंड पॉइंट। तो इस तरह के फ्लो चार्ट को हम क्या बोलते हैं, दिस काइंड ऑफ फ्लो चार्ट इज कॉल्ड स्टेटिक फ्लो चार्ट। ये क्या होता है, हमारा स्टेटिक फ्लो चार्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं हम डायनामिक फ्लो चार्ट की। तो डायनामिक फ्लो चार्ट में हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई एक लार्जेस्ट नंबर निकालना है, लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स, हमें सबसे बड़े तीन नंबर निकालने हैं, तो उसके लिए हम कंडीशंस लगाएंगे, एक से ज्यादा कंडीशन, क्योंकि हमें यहाँ पे तीन नंबर्स निकालने हैं, तो हम यहाँ एक से ज्यादा कंडीशंस का यूज करेंगे। तो पर स्टार्ट हम कैसे करेंगे, स्टार्ट हमारी वही प्रोसीजर है कि हम सबसे पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे मालूम है कि हमें कुछ इसके लिए इनपुट लेना होगा, ठीक है। तो इनपुट लेने के लिए हम क्या करेंगे, इनपुट लिया, इनपुट में हमने यहाँ पे भी वही तीन वैल्यू ली, ए बी एंड सी लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी प्रोसेस में हम अपनी वैल्यू को रीड करा देंगे कि जैसे कि हमारी इनसाइड द मेमोरी में ये वैल्यू को रीड कर ले कि भाई हमारे पास में कौन कौन सी वैल्यू है। तो इसने अच्छे से पढ़ लिया ए बी एंड सी को कि ये वैल्यू इसके सिस्टम के हमने इनपुट दिया है, अब इसमें उसको कंडीशंस फॉलो करना है, ठीक है। तो कंडीशन में हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक डिस्कस कर लेते हैं छोटा सा कि हमारे पास में थ्री वैल्यू ए बी एंड सी है, तो सबसे पहले हम किसमें कंपेयर करेंगे, ए एंड बी में करेंगे कि ए ग्रेटर देन बी है कि नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ लगा देंगे, क्या ये पॉसिबल है कि ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम ए ग्रेटर देन सी, मतलब कि हम दो कंपेयर कर रहे हैं, पहला हमने किया कि ए ग्रेटर देन बी, और दूसरा हमने किया a ग्रेटर देन c, ठीक है। तो a ग्रेटर देन b एंड a ग्रेटर देन c किया। अब सपोज करते हैं कि हमारा a बड़ा होता है, ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या करेगा, हम प्रिंट करा देंगे, वैल्यू को हमारी प्रिंट हो जाएगी। तो प्रिंट क्या हो जाएगा, क्योंकि a हमारा बड़ा है तो प्रिंट a हो जाएगा। यहाँ पे यस जरूर लगाएंगे, अगर आपने यस नहीं लगाया और अगर आपने यहाँ पे एरो डिफाइन नहीं किया तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक और कंडीशंस ले लेते हैं, एक और हम बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा बी है, ठीक है, अब हम यहाँ पे चूंकि ये बोल रहा है कि आपका ये नहीं है, तो बी ग्रेटर देन ए, ठीक है, एंड बी ग्रेटर देन
सी कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आपको अंदर ही क्वेश्चन मार्क भी अप्लाई करना होगा, ठीक है। मतलब कि पहले हमने देखा कि ए ग्रेटर देन बी, और फिर उसके बाद हमने देखा ए ग्रेटर देन सी, अब सेकंड में हम देख रहे हैं बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमारे साथ वही है, ठीक है। अगर हमारी ये कंडीशंस करेक्ट है, मैंने बोला कि अगर आपने यहाँ पे एरो नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे एरो जरूरी है। अब अगर हमारा बी ग्रेटर देन है तो यहाँ पर भी हमारी क्या होगी, यहाँ पर भी हमारी वैल्यू कौन सी प्रिंट हो जाएगी, वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी बी। तो क्या प्रिंट हो गया हमारा, यहाँ पे प्रिंट हो गया हमारा बी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बोले कि बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, अगर ये हमारी नो है, मतलब नहीं है, तो इस केस में भी क्या होगा, इस केस में भी हम यहाँ पर एक और कंडीशंस को कॉल कर लेंगे, हम एक और कंडीशन को, कि भाई हम ये बता रहे हैं ना कि भाई हमारा जो सी बी ग्रेटर देन सी नहीं है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब हम सी का देखेंगे, अब हम सी देख रहे हैं कि क्या सी हमारा ए से बड़ा है, ठीक है। सी हमारा ए से बड़ा है एंड सी हमारा बी से बड़ा है, मतलब कि सी और सी का कंपेयर हम किससे कर रहे हैं, सी का कंपेयर हम ए से कर रहे हैं एंड सी का कंपेयर हम बी से कर रहे हैं, क्या सी हमारा ए से बड़ा है या सी हमारा बी से बड़ा है। तो यहाँ पे भी हम लगा देंगे इफ, पूछेंगे क्या ये पॉसिबल है कि सी ग्रेटर देन ए, ठीक है, एंड सी ग्रेटर देन बी, ठीक है। और यहाँ हमने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ, चूंकि हम सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ एक ही चीज है, क्योंकि बाकी हम ए और बी के कंपेयर यहाँ कर ही चुके हैं, अब हमारे पास कंपेयर करने के लिए कुछ है नहीं है, सिर्फ सी ही बचा हुआ है। तो हम यहाँ इस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस केस में हम यहाँ पे, यहाँ पर हम फिर भी हम वैल्यू को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो प्रिंट हमारा क्या हुआ, प्रिंट हमारा सी हुआ। अब यहाँ पर जैसे मैंने ये एरो नहीं लगाया था, ठीक है, मैंने एरो इसलिए नहीं लगाया था, अगर मैं यहाँ पे एरो नहीं लगाती हूँ और ये प्रोग्राम को यहाँ पे जाके फिनिश कर देती, तो इस केस में ये प्रोग्राम क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, जब जब आपकी कॉपी चेक की जाएगी तो आपको इसमें मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर जब भी आप फ्लो चार्ट को डिजाइन करें तो उसमें आप ये ध्यान में रखें कि एरो आपने, आपके जो एरो हैं वो प्रॉपर लगे हुए हैं या नहीं, अगर आपके एरो प्रॉपर नहीं लगे हुए हैं तो ये फ्लो चार्ट बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ये एरो, अब हमको एंड करना है, चूंकि हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब हम यहाँ पर एंड कर देते, एक हमने फिर वही पर ओवल से कर लिया, ठीक है, और हमने इसको तीनों से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एरो लगाना जरूरी होगा, अगर हमने यहाँ पर फिर से एरो नहीं लगाए तो हमारा ये प्रोग्राम, जो प्रोग्राम जिस प्रोग्राम के ऊपर हमने ये फ्लो चार्ट डिजाइन किया, वो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमने एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं कि हमने कहा है, कितने लिए, हमने इनपुट कैसे लिया, हमने प्रोसेस कैसे ली, हमने डिसीजंस कैसे लिए, मतलब कि कंडीशन, कंडीशनल स्टेटमेंट को हमने कैसे यूज किया, हमारा कौन कौन सा यस है। अब देखिए यहाँ पे यस नहीं लगा हुआ, जब यस नहीं लगा हुआ तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आप एक फाइनल फाइनल एक टच देंगे, एक फाइनल बार देखेंगे कि आपका फ्लो चार्ट पूरी तरह से सही है या नहीं है। तो आप एक बार अच्छे से फ्लो चार्ट बनाने के बाद में सारे सिंबल्स आपने ढंग से यूज किए हैं या नहीं किए हैं, उसको एक बार आप चेक करेंगे, उसके बाद में आपका फ्लो, आपका ये फ्लो चार्ट अब एक करेक्ट फ्लो चार्ट है। अगर आप इस तरीके से फ्लो चार्ट को डिजाइन करेंगे तो आपको फ्लो चार्ट में पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह के फ्लो चार्ट जिसमें हम कंडीशंस यूज करते हैं या फिर डिसीजन स्टेटमेंट यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं डायनामिक फ्लो चार्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डायनामिक फ्लो चार्ट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली फ्लो चार्ट होते क्या है। तो फ्लो चार्ट क्या होते हैं, फ्लोचार्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम इज कॉल्ड फ्लोचार्ट, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, कंपनी में क्या होता है कि जब किसी प्रोग्रामर को हायर किया जाता है तो उसे डायरेक्ट किसी प्रोग्राम लिखने को नहीं दिया जाता, सबसे पहले उसे एक फ्लोचार्ट बनाना पड़ता है किसी भी प्रोग्राम का, जिससे कि इन केस ऑफ जब वो कंपनी को छोड़ के जाता है तो जो नेक्स्ट प्रोग्रामर आता है उस फ्लोचार्ट को देखकर उसे ये आइडिया लग जाता है कि अच्छा इस फ्लोचार्ट के बेसिस पर ये एल्गोरिदम लिखी गई और इसके बेसिस पर ये प्रोग्राम बनाया गया। तो ये एक कम्युनिकेशन का एक बेहतरीन माध्यम होता है फ्लोचार्ट। दूसरा होता है कि फ्लोचार्ट के यूज करने से हम एक बढ़िया, बहुत बेहतरीन एनालिसिस कर सकते हैं और एक एक तरह से एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है कि हम एक डॉक्यूमेंट, जैसे कि सपोज आपने मोबाइल को खरीदा है तो मोबाइल को जब आप परचेस करते हैं तो उसके अंदर भी आपको एक डॉक्यूमेंटेशन मिलता है, मैनुअल मिलता है, जिसके बेसिस पे आपको समझ में आता है कि इसकी इसकी प्रोडक्ट डेट क्या है, इसमें इसका ये इसकी बैटरी क्या है,
या फिर इसकी बैटरी का की वारंटी कितनी है। और सबसे बड़ी अच्छी चीज होती है कि किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए एक हमें जब मैप मिल जाता है, एक ब्लू ब्लू फ्लो चार्ट बेसिकली क्या, एक ब्लू प्रिंट होता है, तो बेहतरीन या कोडिंग करने बहुत इजी टास्क हो जाता है। तो किसी भी प्रोग्रामर के लिए कोडिंग एक सबसे सिंपल टास्क होता है। तो अभी हमने डिसएडवांटेजेस भी इसके देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होगा, सब टाइप्स क्या रहता है कि कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम का फ्लोचार्ट डिजाइन करना होता है जिसमें मोर देन 5 या मोर देन 10 डिसीजंस कंडीशनल स्टेटमेंट का अगर हम यूज कर रहे हैं तो उस केस में क्या रहता है कि ये कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, बिकॉज एक से ज्यादा पेजेस ले रहे हैं, सपोज कहीं कनेक्टर नहीं लगा तो फिर वो प्रोग्रामर के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होता है। सेकेंड चीज ये होती है कि अगर सपोज किसी भी फ्लो चार्ट में अगर आपको कुछ अल्टर करना है या मॉडिफाइड करना है तो आपको क्या करना होगा, रीड डिजाइन करना होता है। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था फ्लो चार्ट के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।